ले लद्दाख, हर हिंदुस्तानी का सपना। सपना लाइफ में एक बार लद्दाख रोड ट्रिप करने का। कुछ लोग कार बाइक लेते ही इसलिए ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सकें, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं अपने इस सपने को जी पाते हैं। और आज उन्हीं कुछ खुशकिस्मत लोगों में से हम हैं जो आज अपने इस सपने को पूरा करने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए इस लेह लद्दाख ट्रिप में और देखिए दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारे। लेह लद्दाख की ट्रिप में हम जा रहे हैं चार लोग, जीतू, उसकी वाइफ रोमा, आमित और आपका चंदन यानी कि मैं। इस सीरीज में ना बल्कि हम कवर करेंगे खूबसूरत नज़ारे, बल्कि आपको जानने के लिए मिलेगा लेह लद्दाख जाते हुए किन बातों का ध्यान देना है, कौन सा बेस्ट टाइम है, सबसे ज्यादा स्नो आपको कौन से मंथ में देखने को मिलेगी, कहाँ रुके, कहाँ देखें, सब कुछ मैं कवर करूंगा आपके लिए, ताकि ये सीरीज देखने के बाद मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं और आप भी प्लान कर सकें लेह लद्दाख का। तो आइए शुरू करते हैं इस लद्दाख ट्रिप की जर्नी के फर्स्ट पार्ट को। और आज का हमारा जो स्टे रहेगा वो है मनाली। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली से। दिल्ली से हम लोग सुबह 5:30 बजे निकले थे, क्योंकि मनाली काफी दूर है, यहाँ से 540 किलोमीटर है दिल्ली से और लगभग 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। एंड दोस्तों, मेरा तो पहला सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप ऐसी लॉन्ग ट्रिप पे निकले ना, तो मेक श्योर कि आपकी जो गाड़ी हो 100% परफेक्ट हो, और हो सके तो लॉन्ग ट्रिप में निकलने से पहले एक बार सर्विस सेंटर जरूर विजिट करवा ले अपनी गाड़ी को। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। सो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है वो है हवेली में। फैसले सोच तो रहे थे हम लोग सुखदेव रुकने के लिए, सुखदेव में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और बाकी सब लोग अंदर जा चुके हैं। ओ भाई, थाली इनकी बड़ी गजब है यार। पारी मिलेगी काटने के लिए, ये कुछ ज्यादा कड़क नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो हमारा ये सेकंड हॉल्ट, फिलहाल अभी सेकंड हॉल्ट के लिए हम लोग आए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। बाय द वे, ये कुराली बाईपास रोड। मेरे ख्याल से हम लोग बीच में कहीं रास्ता भूल गए थे, तो काफी अंदर मोहाली के अंदर घुस गए हम लोग और वहीं पे ही ज्यादा घूमते रहे, तो उसके अराउंड हमारा आधा घंटा खराब हो गया। बाय द वे गाइस, बता दूं हम लोग हिमाचल के अंदर एंटर कर चुके हैं। पहाड़ वाड़ दिख रहे, अच्छी खासी दिखने स्टार्ट हो गए, रोड दिख रही है वो पहाड़ वाली, लेकिन अभी वो फीलिंग नहीं आ रही पहाड़ वाली, क्योंकि ये एरिया ना बहुत ज्यादा ऐसे सूखा सूखा सा है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे और हर जगह धूल मिट्टी पत्थर ये सब है। मैं सब मनाली में ठंड पड़ेगी वहाँ पे, मैं भाई एक भी हाफ टी शर्ट नहीं ले गया, अब देख के लग नहीं रहा इतनी पड़ेगी वहाँ पे। तो पंजाब में हम लोगों ने डीजल इसलिए नहीं भरवाया क्योंकि पंजाब में डीजल महंगा है और हिमाचल में सस्ता है। भाई ये हिमाचल है बहुत ही खतरनाक लू चल रही है। फिलहाल हमें एक रेस्टोरेंट दिखा है यहाँ पे द लेक व्यू, बस इसी लेक की बात कर रहा हूँ। व्यू तो सही है भाई, बस व्यू तो सही है, लेकिन बैठने लायक नहीं बाहर। ओ तो ऐसे लग रहा है तो एकदम पूरा हाँ। अरे प्लेन देख कितना पहाड़ों के बीच में। पहले मुझे लगा ये ग्राउंड है, बट ये ग्राउंड नहीं है एक्चुअली में। जब ये मॉनसून टाइम होता होगा, नदी का फ्लो बहुत ज्यादा रहता होगा ना, तो पूरा जो एरिया देख रहे हो आप, इसमें पूरे में नदी बहती है, क्योंकि अगर ऐसा एरिया हो तो पक्का इसमें खेती बाड़ी हो रही थी, ऐसा कोई छोड़ता नहीं ग्राउंड ना। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, बहुत ही सुंदर व्यू। लंच तो हम लोगों ने कर लिया, आप जाके ना थोड़ा अच्छा लग रहा है लंच करने के बाद। दोबारा करो वो रुमाल वाला अल्टीमेट था भाई वो उतरते ना टी शर्ट उतार के निचोड़ दिया। तो प्रॉब्लम ये होगी कि भाई रेंज रोवर में एसी पत्री क्या दिक्कत आई है, लेकिन जैसे आगे निकले ना करीब 15-20 मिनट एसी काम करना बंद हो गया। पिछले 15 मिनट से हम लोग ये देख रहे हैं कहीं पेड़ मिल जाए, अच्छी छाया मिल जाए तो वहाँ पे गाड़ी रोक लेंगे, लेकिन वो भी नहीं आ रहा। भाई निकलो निकलो निकलो। वाह भाई, अरे बेशक चाहे ऑल्टो लेके आओ, लेकिन चेक करके आओ कि भाई एसी चल रहा है नहीं चल रहा। अभी खड़ी कर दी यहाँ पे रेंजर, अब चेक करेंगे भाई जिसको पता है एसी बंद हो गया, ठंडी नहीं कर रहा है एसी।
साला मौसम भी तो ठंडा नहीं हो रहा, वरना आराम से चले जाते। पता भी तो इसमें होता क्या है। पहले थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी जैसे हाईवे पे कि जब बहुत ज़्यादा रेस दे रही थी 120 किलोमीटर से ऊपर जा रही थी तो हल्का सा जो है एसी को कम कूलिंग कर रहा था, लेकिन अब पहाड़ में आते जाते पता है कि जैसे चढ़ाई होती वैसे इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ता है, वो आते आते यहाँ पे एकदम एसी ने कूलिंग करना बंद कर दी और ऐसा अंदर भट्टी बन गया है। तो हम लोग आगे 10 मिनट से यहीं पे खड़े हुए बाहर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि सूरज एकदम सर के ऊपर है और इतनी गर्मी लग रही है। करीबन 15-20 मिनट खराब करने के बाद हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोगों को यहाँ से निकलना ही है, क्योंकि मनाली काफी दूर था। अब चाहे एसी चले या ना चले, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इस लोकेशन में ना आसपास कोई मैकेनिक था और ना ही हम किसी से हेल्प मांग सकते थे। 10-15 मिनट ड्राइव करने के बाद हमें एक मैकेनिक तो मिला, लेकिन वहाँ पे भी बात बनी नहीं हमारी। इसके अंदर एयर बन गई है। अच्छा, एयर बन गई है। गैस नहीं है ना, तभी तो कूलिंग नहीं कर रही है। गैस आपके है ना? हमारे पास खत्म हो गई है। तो बता रहे हैं कि भाई गैस कम थी तो उसकी वजह से एयर प्रेशर बन गया अंदर। अब इनके पास में गैस थी नहीं तो उन्होंने बोला कि आगे 7-8 किलोमीटर मनाली वाली रोड पे मैकेनिक है बहुत सारे। हम लोग सुंदर नगर मार्केट में, काफी बड़ी मार्केट है ये और मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मैकेनिक वाला मिल जाए, फिलहाल अभी तो नहीं दिखा और मार्केट भी खत्म हो गई है। लेकिन ये हमारी एसी वाली प्रॉब्लम तब तक ही थी जब तक हम लोग सुंदर नगर नहीं पहुंचे। और यार सही में अबे अच्छी हो रही है यार। सुंदर नगर को हिमाचल का दिल भी कहा जाता है। सुंदर नगर पहुंचने के बाद क्या नजारा देखने को मिला हमें खूबसूरती का, और ऊपर से जैसे जैसे हम लोग मनाली के पास जा रहे थे वैसे हमें वेदर एकदम से चेंज दिखता हुआ दिखा और सामने के पहाड़ पूरे ढके हुए थे बादलों से, जिन्हें देख के हमें इतना रिलीफ मिल रहा था क्योंकि उनकी वजह से सुंदर नगर में काफी अच्छा मौसम हो गया था, काफी ठंडी हवा चल रही थी। अब मौसम चाहे कैसा भी हो हमें तो गाड़ी ठीक करवानी थी। मनाली जाते हुए ये बहुत अच्छी चीज है कि सुंदर नगर के बाद फिर चाहे वो मंडी हो, भुंतर हो या फिर मनाली, आपको हर जगह मैकेनिक मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन हमारा उससे बड़ा इशू था हमारे पास थी रेंज रोवर, जिसके मैकेनिक यहाँ पे मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि एसी का इशू था। तो हमें लग रहा था कोई ना कोई मैकेनिक से ठीक कर ही देगा। बढ़िया ये ट्रिप ना, सही में बहुत अप्स एंड डाउन रोलर कोस्टर की तो चल रही है ट्रिप। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। पीछे यहाँ पे हमने मैकेनिक को दिखाया था ना, उसने ये बोला था कि एयर प्रेशर है, तो भैया ने भी कंफर्म करके दोबारा चेक किया तो बता रहे हैं कि भैया एयर का इशू, मतलब यहाँ पे गैस होनी चाहिए लिक्विड, वहाँ पे एयर भर गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि कूलिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे अच्छा है कि गैस मिल गई एसी की, तो फिल कर रहे हैं, देखते कितना टाइम जाता है इसमें। बंदों ने कमाल कर दिया, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब देखो कितनी सॉल्व होती है। भाई साहब ठंडी हो गई गाड़ी। पुअर पीपल, हंग्री पीपल। पहाड़ों में ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स होती हैं कोई भी रोड ट्रिप करने की। पहला सुबह के टाइम। अब सुबह के टाइम तो हम मनाली पहुंच नहीं सकते थे कैसे भी, उसके लिए हमें दिल्ली से रात को निकलना पड़ता। दूसरा टाइमिंग था शाम को, और एग्जैक्टली हम लोग जब सनसेट होने वाला था तब हम मनाली से कुछ ही किलोमीटर दूर थे और हमें देखने को मिला ये खूबसूरत सा सनसेट का नज़ारा। अगर आप मनाली पहले जा चुके हैं या फिर फर्स्ट टाइम जाने की सोच रहे हैं तो आपको ना मनाली जाते हुए 4-लेन रोड दिखती है। मतलब मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में इतना ज़्यादा ट्रैवल किया, इतनी ज़्यादा रोड ट्रिप करी है, मैंने आज तक कहीं पर भी पहाड़ों में 4-लेन रोड नहीं देखी है। हाँ 2-लेन रोड देखी है काफ़ी जगह, लेकिन 4-लेन रोड होना पहाड़ों में इट्स इनक्रेडिबल, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इसकी वजह से ना जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है इतना ऑसम हो जाता है, इतनी स्मूथली आपकी गाड़ी चलती है। लेकिन कहीं ना इस ट्रिप को हमारी ही नज़र लग गई थी। गैस की प्रॉब्लम रिजॉल्व तो हो गई थी वहाँ पे, गैस रिफिल भी कर दी है, लेकिन अब थोड़ी जब आगे आए ना 2-3 किलोमीटर तो वैसी वो प्रॉब्लम मैं दोबारा फेस करने को मिल रही है कि अभी भी कभी ठीक से कूलिंग कर रहा है कभी नहीं कर रहा। जैसे अभी हाथ लगा रहा हूँ ना तो नॉर्मल हवा आ रही है, बिल्कुल भी कूलिंग हवा नहीं आ रही। भाई ये तो मनाली वाली ट्रिप खतरनाक होती आ रही है, पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला दिन आज मनाली बोलूं से लद्दाख बोलूं, अभी भी सोच ले। मनाली जाते हुए ना काफी सारी ऐसी टनल्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हो सकता है कि आने वाले अगले 2-3 साल में मनाली का रास्ता है वो टनल से ही होके निकलेगा और काफी ज्यादा टाइम बचने वाला है उसमें। बट अभी फिलहाल जो वर्किंग कंडीशन में फर्स्ट टनल पड़ती है वो है औथ टनल, जो कि चंडीगढ़ और मनाली हाईवे पे बनाई गई है। टोटल 2.8 किलोमीटर की टनल है, बट ये टनल सही में काफी ज्यादा नैरो है। इस टनल में जैसे ही एंटर करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये डबल लेन की टनल है। सामने से आती हुई गाड़ी और स्पेशली हाई बीमो तो विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो यहाँ पे ना बहुत सावधानी से ड्राइव करनी पड़ती है। सिर्फ एक यही टनल है जो थोड़ी सी डेंजर है, और यही एक टनल है जो जीबी और मनाली वाले रास्ते को अलग अलग करती है। चंडीगढ़ मंडी हाईवे से आते हुए जैसे हम लोग औध गांव पहुंचते हैं तो लेफ्ट साइड में ये टनल पड़ती है एंड राइट साइड में रास्ता निकलता है जीबी के लिए। जीबी भी बहुत एक खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, बट उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज हम लोग जा रहे हैं मनाली, आज सिर्फ बात करेंगे मनाली की। भुंतर पहुंचते हुए काफी अंधेरा हो चुका था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बट अच्छी बात यह है कि ये जो रास्ता है मनाली का पूरा 4-लेन बना हुआ था, जिसकी वजह से हमें भुंतर सिटी के अंदर एंटर नहीं करना पड़ा, बाईपास करते हुए हम लोग मनाली की तरफ निकल पड़े।
सीधे जाएगा मनाली 37 और इस साइड जाएगा 39। ये अलग अलग मनाली है क्या दोनों? और उसके कुछ टाइम बाद हम लोग मनाली पहुंच गए। भुंतर से मनाली पहुंचते हुए हमें ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि रात हो चुकी थी, ट्रैफिक नहीं था बिल्कुल। फिलहाल के लिए ये वाला ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं गाइस, और नेक्स्ट वाले ब्लॉग में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मनाली। तो प्लीज अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।